सबसे छोटे स्टूडेंट है मेरी क्लास के, लेकिन सबसे तेज स्टूडेंट है। अनस प्लीज आ जाए आप। अनस जरा पहले तो अपने बारे में बताओ खड़े होके, और बताओ क्या दिखा रहे हो तुम्हारे, फिर उसके बाद जो है बैठना चाहो तो बैठ जाओ, खड़े होना चाहो खड़े। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनस आसिफ है और मैं क्लास 8B में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर आज आपको कुछ छोटे छोटे क्लिप्स दिखाऊंगा, यानी कुछ बताऊंगा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कि मैं क्या करता था और अब क्या करने लग गया हूँ। यानी मैं वैसे दिखाना चाहता हूँ कि बॉज और नाउ क्या है यहाँ पर। तो मैंने इस सलानी या सलानी में वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने से पहले HTML CSS जो है मैंने सर गौस अहमद की YouTube पे देखी थी वीडियोस, और उनसे मैंने थोड़ा बहुत आइडिया लिया था कि ताकि मुझे परेशानी आगे ना हो। फिर जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले सर सलमान सफ़र थे, तो सर सलमान सफ़र ने हमें HTML और CSS पूरी पढ़ाई, और फिर हमें कुछ UI हमें पढ़ाई UI सिखाई, और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया। इस तरह प्ले स्टोर का हमने लैंडस्केप पेज बनाया और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई। उसके बाद सर काशिफ सलमान में हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी ES5, और फिर जब मैं सर इंजमाम मलिक की क्लास में आया तो उन्होंने ES6 और अपने रिएक्ट उनकी क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो स्लाइड्स क्या दिखाने लगे जरा पहले तो ये बताओ। मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा, मैं वो दिखाना चाहूँगा कि पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले है मेरा कैलकुलेटर का है, इसमें उसमें सबसे पहले जो मैं ओल्ड वन आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले जब मैंने सिंपल जावास्क्रिप्ट सीखी थी तो मैंने जावास्क्रिप्ट में सिंपल सा बनाया था, ज़्यादा UI नहीं डाली थी मैंने। तो आप क्लिक करें इसको, तो ये मैंने एक सिंपल सा बनाया और उसके अंदर बग्स भी बहुत सारे थे। यानी अगर मैं इसको बार बार क्लिक करता हूँ मल्टीप्लीकेशन वाले को या माइनस प्लस वाले को, तो ये जो है बग करता था, यानी वो बार बार आता था। और इससे फिर जो है जब मैं उसको सम करता था या मल्टीप्लीकेशन करता था तो उसमें इश्यूज आते थे और वो सम करता नहीं था। तो इसमें कुछ इश्यूज भी थे, जो मैंने न्यू जो मैंने बनाया है उसमें मैंने ये सारे इश्यूज सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब मैं आपको न्यू वाला दिखाऊं, तो इसमें मैंने UI भी थोड़ी बेहतर की और इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर साइंटिफिक कहना मैं चीज़ें भी लगाई, जिस तरह रूट हो गया और ये सारी चीज़ें भी लगाई पाई। और इसके अलावा मैंने अब इसके अंदर आप अगर उसको बार बार भी क्लिक करेंगे ना तो उसमें बग अब आपको नहीं दिखेगा। और इसके साथ साथ अगर आप जिस तरह आपने लिखा 98 और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर आपने इक्वल्स का बटन दबा दिया, यानी हमने फुल एक्सप्रेशन नहीं लिखी, तो आपको एरर भी देगा, जिस तरह आपको लिखा हुआ आएगा कि आप इनवैलिड है ये एक्सप्रेशन, आप सही गा रहे, यानी आप और जो है आप आगे की जो स्टेटमेंट है वो लिखे। तो अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैलेंडर का। अब पहले तो मैंने जब HTML सीखी थी टेबल बनाना सीखा था, तो उस वक्त मैंने बस एक ही मंथ का मैं एक ही ईयर का मैंने पूरा बना दिया था कहने में मेरा कैलेंडर। मगर फिर मैं आपको दिखाऊंगा अगर तो मेरा जो ओल्ड वन था वो बिल्कुल ही सिंपल सा है, क्योंकि मैंने उस वक्त CSS इतनी आगे नहीं थी मुझे, तो मैंने सिंपल से टेबल और CSS को यूज़ करके बस एक छोटा सा एक कैलेंडर का वो बना लिया था। मगर जब मैंने थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट सीखी और मैंने API जैक्स करना सीखी, तो मैंने फिर पूरे ईयर यानी जितने भी आगे के ईयर्स होते हैं ना उनको और ये आपको मिल भी जाएगा। गिटहब का है एक ईयर करके है, उसका नाम ही ईयर है, उस गिटहब अकाउंट का नाम ही ER API है। तो वो अगर आप जाके देखेंगे तो वो API आपको मिल भी जाएगी, उससे आपको जितने भी ईयर्स हैं ना उन सबके आपको वो मिल जाएंगे, मंथ के डेट्स मिल जाएंगे। तो उससे मैं फिर UI थोड़ी सी बेहतर करूँ। उसके बाद जो है मेरे नेवबार्स हैं, नेवबार्स को मैंने थोड़ा सा और एनालाइज किया, जो कि मेरे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो मैंने जो बनाए हैं नेवबार्स, उनमें सबसे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने सर जब मैं सर सलमान जब की क्लास में था तो ये मैंने एक थोड़ा सा नेवबार बनाया था जो कि बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और फिर जो है मैंने ये वाला नेवबार बनाया था, फिर मैं आपको उसको रन भी करके दिखाता हूँ। Thank you.
ये देखें, तो ये एक नेबर है जिसमें अगर आप होवर करेंगे तो ये उसके क्या नाम है बताएगा कि ये क्या है। जिस तरह ये मैंने मैसेज पे किया तो ये मैसेज लिखा हुआ आ गया, हेड पे किया प्राइवेट आ गया, उसके बाद यहाँ पर वीडियो आएगा, उसके बाद यहाँ पर फोटोज आएगा। तो ये एक मैंने नेबर बनाया जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें मैंने एनिमेशन लगाई और मुझे एनिमेशन सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा अपना स्टारबक्स और पेप्सी का जो है वो मैंने लैंडस्केपिंग बनाया है। वो जो है मैंने अब ये लैंडस्केपिंग बनाया है पेप्सी और स्टारबक्स का, ये यूआई डिजाइनिंग में। अब डिक्शनरी और गेम पे चलते हैं। जो मैंने एक डिक्शनरी बनाई थी, डिक्शनरी तो नहीं सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, डिक्शनरी यानी ट्रांसलेटर है, जो कि ट्रांसलेटर है जो ट्रांसलेट करता है इंग्लिश को उर्दू में। इसमें एक API भी है, memory.translator.net है। आप इस API आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको API मिल जाएगी जो कि ट्रांसलेट करती है इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में, आप कर सकते हैं इसको ट्रांसलेट। मैंने इंग्लिश और पाकिस्तानी को किया है कि इंग्लिश को पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दें। और इसके अलावा मैंने ये डाइस एप्लीकेशन बनाई है जिसमें आप रोल डाइस पर जैसे क्लिक करते हैं ना तो वो रोल डाइस करता है और वो बिल्कुल एनिमेशन चलती है, और वो एनिमेशन चलने के बाद रोल डाइस होके फिर वो आंसर दिखाता है और रोल डाइस भी चेंज हो जाता है। टिकटॉक तो मैंने बनाई थी एक एप्लीकेशन, इसमें वीडियो नहीं चल रही है और मुझे URL की याद नहीं है, मैंने आपको दिखा था। इसमें मैंने टिकटॉक टो का बनाया है, तो जो है इस टिकटॉक टो का बनाया था मैंने, गेम है और इसमें जो है कंप्यूटर आपको खुद खेलता है, यानी आप दूसरा पर्सन नहीं होता। उसमें जो है मैंने ये लगाया कि आप एक डालेंगे, फिर कुछ सेकंड्स बाद मैंने लगाया है कि फिर मैटर राउंड चलता है। उसमें क्या होता है कि वो कुछ सेकंड्स बाद वो अपनी तरफ से कोई भी रैंडमली नंबर नहीं आता है, उन सेकंड बाद जो है वो जो है ये चलता है। ठीक है, ये मैंने टिकटॉक टू बनाई थी। उसके बाद जब मैं सडन जमा मैंने की क्लास में आया तो उसके बाद मैंने जब रिएक्ट सीखी, तो रिएक्ट सीखने के बाद मैंने एक फेसबुक की पूरी UI बनाई जिसके अंदर मैंने यूज स्टेट यूज़ किया, जो ब्लैक एंड वाइट यानी लाइट और डार्क पे भी शो करता है। थैंक यू।